ये है काशी विश्वनाथ का द्वार, और आप ये देख रहे हैं ये चौथा नंबर का द्वार है। ऐसे एक गली में पीछे है, ऐसे चार चार पांच इसमें गेट हैं। आप चारों गेट से काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करते हैं। फिलहाल हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं काल भैरव मंदिर। वहाँ पे मंदिर में काशी निहारिका का व्रत है, तो हमने सोचा कि मंडे को हम लोग दर्शन करेंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं काल भैरव मंदिर। तो ये गली है इसके अंदर ऐसे, तो विश्वनाथ जी के मंदिर से बाहर निकलते ही 1 किलोमीटर दूरी पे है काल भैरव जी का मंदिर, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं फिलहाल। तो हम लोगों ने किए दर्शन काशी के कोतवाल कहे जाने काल भैरव मंदिर के अंदर। बोलते हैं कि पहले काशी में आने से पहले इन्हीं के दर्शन करने चाहिए। एक्चुअली क्या था टाइम, तो जैसे ही आप निकलते हैं काशी कोतवाल के मंदिर से, काल भैरव मंदिर से, तो सामने जय राम मंडा। आप यहाँ खा सकते हैं काशी की काफ़ी खूबसूरत जलेबी और कचौड़ी। यहाँ पे देखिए आप, बिल्कुल जहाँ पे काशी विश्वनाथ भगवान मंदिर का गेट है उसके ठीक सामने यहाँ पे है खिचड़ी बाबा का मंदिर। आपको यहाँ पे हमेशा मॉर्निंग के टाइम पे खिचड़ी मिलेगी आपको। यहाँ पर लोग खिचड़ी खिलाते हैं, वो भी फ्री में भंडारे के तौर पे। तो ये है देखिए बनारस का बाजार, ये श्री काशी विश्वनाथ का द्वार है जहाँ से हमने सुबह प्रवेश किया था। 2-3 द्वार हैं, मतलब आप बिल्कुल घाट से सीधे कॉरिडोर होते जा सकते हो, वरना ये गुदरिया चौराहे के बिल्कुल पास वाला द्वार है। यहाँ से आप पैदल जाओगे, यहाँ पर गली में जाके आपको आराम से मंदिर का रास्ता मिल जाएगा। वहाँ लाइन लगी रहती है। तो यहाँ पर ऐसे कुछ भोजन करने की थालियाँ वो मतलब है शॉप है, और साथ साथ में यहाँ से आप बनारसी साड़ी वगैरह कुछ खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो। निहारिका ने घुस गई दुकान के अंदर और ढूंढ रही अपने लिए फिर से बनारसी सूट। पिछले बार लेके गई थी 2 पीस और इस बार जाने कितने खरीदेगी। तो ये अलग अलग टाइप के कलर हैं देखो बनारसी सूट के। तो जब मैं बनारस गया था तो बनारस मतलब जब बनारस लखनऊ से बनारस को हम निकले थे तो उस टाइम पे मैंने तेल डलाया था लखनऊ में 1000 रुपए का, और फिर हमने 500 रुपये का डाला इंटरसिटी, मतलब बनारस के खर्चे के हिसाब से 500 रुपये का तेल डाला बनारस में। तो टोटल अभी तक 1500 रुपये का तेल डाला था, अभी वापस फुल टैंक किया है 3000 रुपये में। ये पूरा फुल टैंक हो गया, 3000 में फुल टैंक किया। अब देखते हैं कि लखनऊ तक हमारी गाड़ी कितना माइलेज देती है और कितने रुपये का तेल लगता है लखनऊ पहुँचने तक, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पिछले ब्लॉग में ना लोग सिर्फ पूछते हैं सिर्फ कि तेल कितना लगा, तो मैंने कहा चलो यार ये वाला भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, तो इस टॉपिक को भी थोड़ा एक हल्का फुल्का ज्ञान दिया जाए। तो उसी चक्कर में अभी हम लोग बनारस सिटी से बाहर निकल गए हैं, तो ये फ्लाईओवर से हम लोग निकल जाएंगे। अभी NS 31 में हम लोग चल रहे हैं। NS 31 हमको जौनपुर लेके जाएगा, फिर जौनपुर से फिर हमारा हाईवे चेंज जाएगा, फिर जौनपुर से सुल्तानपुर रहेंगे। तो देखते हैं कितना टाइम लगना है आज। और सामने मौसम बिल्कुल ख़राब ही है, कल से मतलब धूप नहीं आई है, जब से हम लोग यहाँ बनारस पहुँचे हैं। जिस दिन आए थे बनारस उस दिन बड़ी अच्छी धूप थी, और थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया हमारा ट्रैफिक के उसमें। तो हम लोग जो घाट हमको घूमने थे बाय नाव वो हम घूम नहीं पाए, हमने कहा चलो कुछ नहीं हम पैदल घूमते हैं। तो ये देखिए कितने प्यारे पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे।
लोग को एक टोल प्लाजा मिला है जहाँ पे 115 रुपए का टोल टैक्स हमारा कटा था। उसके बाद ये हाईवे पे फिर से पैच आ गया, मतलब ये क्या है कि हाईवे का काम चल रहा है अभी बीच में, और उसके बाद हम लोग को फिर ये शहर के अंदर, यहाँ बंदर बीच में जाने से बहुत आस है। तो एक्चुअली क्या ना, हाईवे जैसे मैंने आगे एक्सप्रेस वे देखा वैसा जो अगर बन जाए तो ज़्यादा अच्छा, क्या इसमें ना जानवर बहुत आ जाते हैं हाईवे पे, तो इतने बेचारे कुत्ते इतने मरे हुए हैं बेमौत पर हाईवे पे, तो थोड़ा तकलीफ होती है देख के पूरे, मतलब हाईवे पे हर एक किलोमीटर पे एक कुत्ता जरूर होता है। तो ये है कौन सी जगह है, तो ये है ढकवा बाजार। तो ये ढकवा बाजार है जिसके अंदर से हम लोग अभी जा रहे हैं, गांव भी जैसा, हाँ गांव टाइप का है, तो गांव का छोटा टाउन है, आसपास के गांव का जो मार्केट है एक। तो फिलहाल क्या है, ठंड होगी है प्रचंड, धीरे धीरे मतलब ठंडा बढ़ने लग गया। मैं तो 2-3 दिन से बालों में कंघी नहीं बना रखी है, बाल धो रहा हूँ और बाल बनाने को नहीं मिला, कंघी कहीं पैक हो गई है, थोड़ा तो ऐसे हो गया बाल कटवाने में। तो अभी हम लोग रुके हुए हैं जौनपुर, हमने क्रॉस कर लिया सुल्तानपुर, करीब अभी 50-60 किलोमीटर और बचा होगा तो हमने क्रॉस कर लिया है। अभी एक टी व्हीकल रुके थे, करीब चले थे बनारस से 1 बजे, तो अभी बजे हैं 4 बजे हुए हैं, तो कई 3 घंटे में हम जो दूरी तय की है वो की है 120 किलोमीटर के करीब, क्योंकि बीच में क्या था कि बनारस से निकलते निकलते ट्रैफिक बहुत था, फिर उसके बाद बीच में 2-3 पैच वाले आए जहाँ पर गाड़ी बहुत हल्की चलती है, थोड़ा जाम लगा था, तो इसलिए मतलब 3 घंटे में करीब 120 किलोमीटर हमने कवर किया। निहारिका मैं चाय पी ली, निहारिका चाय बन रही है, निहारिका का फास्ट है, तो उसके दोबारा चाय बनाई है हमने अभी, मैंने उनका फास्ट है तो उसके लिए चाय एक बार दोबारा बना दो। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on their face shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this. तो हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है सुल्तानपुर। एक्चुअली क्या है कि अंधेरा हो गया, क्योंकि जाड़ों का दिन है, अंधेरा हो जाता है जाड़ों के दिन जल्दी, तो उसकी वजह से थोड़ा मतलब हम लोग को अब गाड़ी जाने में दिक्कत, क्योंकि जो विजुअलाइजेशन है थोड़ा फॉग है, उसकी वजह से भी थोड़ा रोड दिखाई नहीं दे रहा है, और साथ साथ में अभी क्या ट्रैफिक भी बढ़ जाता है शाम के टाइम पे, क्योंकि ऑफिस छुट्टी होती है इस वजह से। तो अब जो उम्मीद थी हमको कि हम 7:07 पहुँचेंगे, वो उम्मीद हमारी 7:07 से पहुँच गई है 8 बजे, सर कि हम लोग अब 8 बजे पहुँचेंगे, निहारिका को 8 बजे बजे जाके घर में आना पड़ेगा शाम। In different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Y'all, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. झोले भर भर के सामान ले जाइए, ये देखो उस आदमी के हाथ में झोले पकड़ा रखे, एक झोला हमारे हाथ में पकड़ा रखा है, इतना झोला ऐसा सामान घेरा हुआ है। फिलहाल लखनऊ से मतलब बनारस से लखनऊ पहुँचते पहुँचते हमको बच गए 8, मतलब 8 पूरे बच गए हैं, और गाड़ी से उतर गए तो करीब लगे दिन के 1 बजे चले थे, तो करीब 7 घंटे लगे। 1 बजे नहीं चले थे, 1:30 बजे चले थे, 1:30 बजे चले थे, 1:30 बजे तो 6:30 घंटे लगे, उसमें 2-3 ब्रेक हो गए। कैसा लगा फिर सफ़र, कैसा रहा? बढ़िया। निहारिका का आज है, भूख लगी है निहारिका वजह से, सुबह से चिड़ा चिड़ा के खाए हमने कहा जल्दी। निहारिका देखो 4 जोड़ी चप्पल जूते लेके गई, 4 नहीं है 2 हैं, तो एक पहनी नहीं है,
दिन होगी ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय धूमी जय उत्तराखंड।